आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार वापस वही हुआ है जो आज से 37 वर्षों पहले हुआ था। बस अंतर इतना है कि उस वक्त कांग्रेस थी और आज उसके स्थान पर भाजपा है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ठीक अगले चुनावी नतीजों में अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया है, लेकिन इस बार भाजपा ने प्रचंड जीत के साथ यूपी में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रदेश की हॉट सीटों पर योगी के मंत्री कितने खरे उतरे। देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। जिस प्रदेश के चुनावी नतीजों पर जनता की नजर टिकी हुई है, आज उसका खुलासा हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार सत्ता में वापसी करने जा रही है। वहीं प्रदेश की हॉट सीट गोरखपुर सदर से सूबे के मुख्यमंत्री, जो पहली बार विधायकी के चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। जबकि योगी ने सपा की सुब्रती उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराया। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर तो मुकाबले में भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए थे। दिलचस्प बात यह भी है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सूबे के राजनीतिक इतिहास में 15 साल बाद ऐसा होगा जब कोई विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। इससे पहले 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव और फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि तीनों विधान परिषद के रास्ते से ही सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। अगर बात प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ कैंट सीट पर राज्य सरकार में मंत्री बृजेश पाठक ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी सपा के राजू गांधी को 39,512 वोटों से हरा दिया है। सवर्ण मतदाता बाहुल्य लखनऊ कैंट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प था। बीजेपी ने योगी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक की सीट को बदलते हुए उन्हें लखनऊ कैंट से मैदान में उतारा था, जब तक रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस में थी। ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। इस बार बृजेश पाठक को समाजवादी पार्टी के राजू गांधी, बसपा ने अनिल पांडे और कांग्रेस के टिकट पर दिलप्रीत सिंह जीपी से चुनौती मिल रही थी। देखिए, मैं सभी का आशीर्वाद प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, ये उनकी जीत है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जो स्थापित हुआ है, ये उसकी जीत है। और मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जाति धर्म संप्रदाय और पार्टी लाइन को तोड़ करके बीजेपी को अपनाया है, कमल को अपनाया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया है और प्रचंड लहर चल रही है बीजेपी की। इसका विपक्ष भाप ही नहीं पाया। विपक्ष ने जिस ढंग से अराजकतावादी लोगों को, गुंडे लोगों को, माफिया लोगों को और रेप के आरोपियों को, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वालों को, दंगाई लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा है, प्रदेश की जनता ने उन्हें निकाल दिया। सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह और मोहनलालगंज से अमरेश कुमार ने कमल खिला दिया है। भाजपा के लिए सबसे मुश्किल सीट में शामिल मोहनलालगंज सीट पर जीत दर्ज करने से पार्टी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। अब तक भाजपा यहां पर किसी भी चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर सकी थी।
भाजपा ने इस बार यहां पर अमरीश कुमार को उतारा था, जबकि गोंडा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने जिले की सभी 7 सीटों पर विजय पताका फहराई है। गोंडा सदर से भाजपा प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह, मेहनौन से विनय कुमार द्विवेदी, कटरा बाजार से बावन सिंह, कर्नलगंज से अजय कुमार सिंह, गौरा से प्रभात वर्मा, मनकापुर से रमापति शास्त्री व तरबगंज से प्रेम नारायण पांडे ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने गौतम बुद्ध नगर में क्लीन स्वीप किया है। भाजपा ने यहां की 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भाजपा के नोएडा से प्रत्याशी पंकज सिंह ने रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी से भाजपा के तेजपाल नागर, जेवर से धीरेन्द्र ठाकुर तथा नोएडा से भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह ने जीत दर्ज की है। नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और भाजपा के मौजूदा विधायक पंकज सिंह ने सपा रालोद गठबंधन के सुनील चौधरी, कांग्रेस की पंकुड़ी पाठक और बसपा के कृपाराम शर्मा को टिकने नहीं दिया। पंकज सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वो 1,80,000 वोट से जीते हैं। पंकज सिंह ने अजीत पवार की 1,65,000 वोट से जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 2017 में भी इस सीट पर निर्वाचित हुए पंकज सिंह को कुल 1,62,417 वोट मिले थे। सपा के सुनील चौधरी को 58,401 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने प्रदेश की राजनीति के पुराने सभी समीकरण को ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया है। प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी दोबारा सूबे में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन भाजपा की इस प्रचंड जीत के बाद प्रदेश में सभी विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है और सभी पार्टियां अब मीडिया के सामने आने से बचती हुई नजर आ रही हैं। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। तो योगी का बुलडोजर एक बार फिर चलता हुआ दिखा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।